मुख्य शब्द कीवर्ड्स क्रियात्मक समूह अल्कोहल मेथेनॉल एथेनॉल किण्वन एंजाइम परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट मिथाइलेटेड स्पिरिट कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एकलक बहुलीकरण प्रतिशीतलक एस्टर एस्टरीकरण पीवीसी कम घनत्व वाला पॉलीथीन उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन टेफ्लॉन। हमने सीखा पहला अल्कोहल और एल्केनोइक अम्ल को क्रमशः सूत्र ROH और RCOOH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी मूलक के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। तीसरा एल्किल मूलक को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चौथा अल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH है तथा एल्केनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH है। पांचवा अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन शीरे से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। छठवां शुद्ध अल्कोहल जिसमें जल नहीं होता परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। सातवां जब एथेनॉल में 5% जल मिला दिया जाता है तो इसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। आठवां एथेनॉल का दुरुपयोग न हो इसलिए इसमें विषैले पदार्थ मेथेनॉल 10-15% मिला दिया जाता है। इस तरह के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। नौवां एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन अल्कोहल से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। दसवां एथेनोइक अम्ल का 3-4% विलयन सिरका कहलाता है। ग्यारहवां शुद्ध एथेनोइक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। बारहवां एकलक जिनके अणुभार कम होते हैं आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले बहुलक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तेरहवां रेशम ऊन जैसे बहुलक जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और स्टार्च सेलुलोज जैसे बहुलक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। चौदहवां पॉलीथीन का एकलक एथीन होता है। विनाइल क्लोराइड से बनने वाला बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC कहलाता है। टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरोएथीन होता है।